बहुत परेशान है उसमें है, वो हिंदू धर्म में वो एक है, धर्म हमारा पैसों से खरीदा जा रहा है, और दूसरा गन के माध्यम से या किसी तलवार के माध्यम से हम धर्म बदला जा रहा है। इसको जब तक हम नहीं रोकते तब तक हम हमारी धर्म की रक्षा नहीं करते, और इस धर्म की रक्षा करने के लिए हमें साहस चाहिए, धैर्य चाहिए, हमारे में वो शक्ति चाहिए कि हम किसी के सामने खड़े रहे। मैं ये नहीं कहता कि तुम युद्ध करो, लेकिन हमारे पास पहले भी ब्रह्मास्त्र थे, दिव्यास्त्र थे, अनंतास्त्र थे। कोई राक्षस अगर किसी राजा पर प्रहार करता था तो राजा किसी ऋषि के आश्रम में जाकर, आज भगवान रामचंद्र जी भी अगस्त जी से धनुर्बाण की विद्या सीखे, विश्वामित्र से अतिबला महाविद्या लिए, वो ऋषि थे लेकिन उन्होंने कभी विद्या का उपयोग नहीं किया, क्षत्रिय मार्ग से ही विद्या को प्रदान किया। क्या आज वो विद्या नहीं है? आज हम कामधेनु की बात करते हैं, वशिष्ठ महर्षि के पास कामधेनु थी, और जिस विश्वामित्र जो राजा थे वो उसके पास गए, और जंगल में ऋषि के आश्रम में झोपड़ी में रहने वाले वशिष्ठ महर्षि से कहा कि मैं मुझे प्यास लगी है, पाना पीने के लिए पानी दो। वो राजा थे, उनके साथ 3000 सैनिक थे। तो वशिष्ठ महर्षि कहते हैं कि महाराजा आप इतने भूख से आए हैं और धूप में आए हैं, तुम ऐसा क्यों कहते हो, मैं खाना खिलाने के लिए तैयार हूँ। तो वो राजा हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे झोपड़ी में खाना क्या मिलेगा। तो कहते हैं कि आप बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर में तुम्हें खाना परोसा जाएगा। उन्होंने अपने कामधेनु को आदेश दिया, एक बहुत बड़ा महल तैयार हुआ और सोने चांदी के थालियों में राजा को 3000 सैनिकों के साथ अप्सराओं ने परोसा। जब यह बात उस राजा ने देखी और कहा कि यह क्या विद्या है जो तुमने ये सारी चीजें की, इतने लोगों को एक क्षण में खाना खिला दिया और तुम झोपड़ी में रोटी खा कर रहते हो, रूखी सूखी खा कर रहते हो। ये पहले ऋषि की गुरुकुल परंपरा थी। आज किसी गुरु के पास जाओ आप तो पहले पैसा पूछते हैं, तुम्हें क्या पूजा करनी है तो पैसा दो। वो ऋषि वैसे नहीं थे, अपनी रूखी सूखी खाते थे लेकिन समाज को देखते थे। उनने राजा को जब खिलाया तो राजा ने कहा कि विद्या कहाँ से है। तो ऋषि ने कहा मेरे पास कामधेनु है और ये कामधेनु तुम्हारी सारी इच्छाएं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है। तो राजा ने कहा मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं इस कामधेनु को खींच कर जाता हूँ, ये तुम्हारे पास नहीं लिखिए मेरे पास लिख। तो ऋषि कहते हैं कि ये मेरी तपस्या का फल है, ये तुम्हारे पास नहीं आती। तो उन्होंने कहा इसको खींच के ले जाते हैं, 3000 सैनिकों को कहा कि तुम उस कामधेनु को खींच के लाओ। सिर्फ वशिष्ठ महर्षि ने गाय का एक उसके पूंछ का बाल खींचा और उस सैनिकों पर डाल तो सारे सैनिक जल गए। ये विद्या थी हमारे पास, आज विद्याओं आज विद्या नहीं है। आज हम क्यों बाधा में हैं? आज हमारे मंदिर क्यों गिराए गए? आज हमारी लड़कियां क्यों दूसरों के कब्जे में जा रही है? हमारी विद्या क्यों दूसरों के कब्जे में जा रही है? हम दूसरों को क्यों जा रहे हैं? हम शान अनुभव करते हैं, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, मेरा बेटा इंग्लैंड में पढ़ रहा है, मेरा बेटा पहले ये था यहाँ गुरुकुल परंपरा थी, जब तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय थे वहां से चाइना के लोग या बाहर से लोग यहाँ आकर पढ़ा करते, आज वो विद्याएं कहाँ गई। जब तक इस विद्याओं को हम जागृत नहीं करते, इन विद्याओं को देखते हैं, मैं मेरे हर शिष्य को एक ही बात कहता हूँ, सभी को एक कहता हूँ, तुम अकेले भी खड़े रहो तो 1000 लोगों के लिए श्रेष्ठ कहलाओ, 1000 लोगों के सामने खड़े नहीं क्षमता रखो। और ये केवल आई माता जैसे और देवताओं की कृपा मात्र से, गुरु की कृपा से ही होता है। तुम अकेले खड़कर समाज के साथ अन्याय के साथ लड़ सकते हो, और ये जागृति जब तक नहीं आएगी इसके लिए माता पिता के प्रति, अपने देवता के प्रति, अपने गुरु के प्रति उसकी निष्ठा हो। आज वो निष्ठा चली गई है, आज माँ बाप से अलग होते हैं बेटे, भाई भाई लड़कर अलग होते हैं, ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति को जब तक हम स्थिति से बाहर नहीं आते, जब तक माता पिता को अब हमारा श्रेष्ठ नहीं समझते, हमारे देवताओं के प्रति हमारा निष्ठा हमारी निष्ठा नहीं है, तब तक हम उन विद्याओं को प्राप्त नहीं कर सकते। वो ऋषि जो थे जंगल में रहा करते थे और राजा महलों में रहा करते थे, जब अकाल पड़ जाता था तो राजा ऋषि के पास आता था कि अकाल पड़ गया है आप कुछ करो, तो वो ऋषि वर्षा देकर उस अकाल की स्थिति को निकालता था। ऐसे कितने ही हमारे पास उदाहरण है कि जो राजा बहुत कष्टों में जाता था तो ऋषि परंपरा के पास आता था और ऋषियों के पास साधना होती थी, और उस साधना के मार्ग से चाहे वर्षा भी करवा सकते थे चाहे सैनिकों को भी रोक सकते थे। इसके लिए उस ऋषि और उस गुरु परंपरा के प्रति जब तक आपकी निष्ठा नहीं होगी, धर्म की स्थापना नहीं होगी, और वैसे गुरु नहीं होंगे तो नहीं। आज आप हर गुरु के पास जाओ, पहले जाते पूछते गुरु ये पूजा करने मेरी पीड़ा जा रही, कितना पैसा लगेगा। अगर गुरु पैसों से है, मैं बहुत बार हमारे लोगों को कहता हूँ आप जाओ गुरु जी व्यापार नहीं चल रहा है, किसी गुरु के पास, मेरे जैसे भी है और भी गुरु है, पैसा नहीं है गुरु जी, लक्ष्मी बहुत लॉस हो गया है, तो कहता है कि तुम लक्ष्मी गणपति का होम करो या कुछ हवन काम करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तुम लक्ष्मी गणपति का हवन करवा लो, बाद में अगर तुम दक्षिणा देने उसको भूल जाओ तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, मेरी दक्षिणा क्या हो गई। मैं उनसे ये कहता हूँ अगर लक्ष्मी गणपति होम करने से तुम्हारे घर में धन आता है तो तुम्हारे घर में क्यों नहीं, दक्षिणा के लिए हाथ क्यों पसारते हो, तुम पहले तुम सिद्ध बनो,
तुम श्रेष्ठ बनो, तुम क्यों दक्षिणा के लिए हाथ पसारते हो? वो चाहे तुम्हारे, अगर तुम्हारे घर में लक्ष्मी ला सकता है तो उसके घर में नहीं ला सकता क्या? तुम्हारे घर में दुर्गा की शक्ति दे सकता है, तुम्हारे घर में नहीं? जब तक तुम सक्षम नहीं होगे तब तक आगे वाला तुम्हारी उंगली उठाएगा। और जब तक ये बात होगी तभी संसार बदलेगा, चाहे स्त्री हो। मैं आज कहता हूँ हर स्त्रियों में वो चीज। आज हम राजस्थान में देखते हैं सती माताओं के बारे में कितना कहा, उन्होंने किसी के सामने सर झुकाया नहीं, आज वो पूजनीय है। क्यों है? और आज की स्थिति देखते हैं, मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं कि गुरु जी हमारी बच्ची भाग गई, हमारी बच्ची फलाने लोगों से प्रेम कर रही है, वो ऐसा नहीं। ये क्यों हो रहा है कि बड़े जो माता पिता घर के हैं वो श्रेष्ठता से नहीं है। आज सब लोगों का वशीकरण का या सम्मोहन का अर्थ गलत लेते हैं। हमारे पास घर का बड़ा जो रहता था वो अपने बेटे बच्चों को सभी को एक नजर से देखता था, और उसकी आवाज में इतनी श्रेष्ठता होती थी कि उसके दुख में वो खड़ा रहता था, और वो वशीकरण था। आज भी मैं हमारे घर में या मेरे साथ जो भी है उन लोगों को कहता हूँ, तुम कुछ भी मत करो, एक बात करो, सुबह से तुम व्यापार में बैठे हो, कुछ भी बैठे हो, कुछ भी करे हो, लेकिन शाम में खाना खाने बैठते समय आपने पोते पोतों पत्नी सभी के साथ एक बार भोजन करना शुरू कर दो एक रात में, और सुबह 3 बजे से पहले उठना शुरू कर, तुम्हारे घर में प्यार जागेगा। आज बच्चे जो बाहर गए हैं, सिनेमा को गए या कहीं गए हैं, अगर तुम बच्चे के लिए इंतजार करके को आएगा हम खाना खाएंगे, तो कहीं बाहर अपने दोस्तों के साथ भी क्यों ना हो, वो कहता है कि मेरे पापा मेरे लिए राह देखते, यार मुझे भोजन जाना है तो पापा खाना नहीं खाएंगे। अगर उसमें ये भाव जागृत हो गया तो आप एक ही कारण करते हैं, आपके घर को इकट्ठा करते हैं। आप ये नहीं करते, व्यापार कर रहा हूँ मैं खाना खाके मैं चल जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ, माँ पकाती है, माँ खाना खाई चल जाती है, स्कूल को जाना उसको जिसका उसको खाना खाई चल जाता है। खाने में इतना वशीकरण और आकर्षण है, अगर घर का बड़ा आदमी अपने सभी लोगों को लेकर एक बार ये विद्या ये कार्य आरंभ करे, आप स्वयं देख सकेंगे कि आपके घर में कितना प्यार उमड़ के आता है। और दूसरी बात ये है कि हमारे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सूर्य उदय से पहले जिस घर में घर का बड़ा आदमी या घर के बच्चे उठते हैं उस घर में कभी लक्ष्मी कमी नहीं होती। सूर्य उदय के होने के बाद जिस घर में होते चाहे लाखों करोड़ों आदमी क्यों ना हो वो कुछ दिन में दरिद्र हो जाता है। ये मेरा अनुभव है, घर का बड़ा आदमी सूर्योदय से पहले उठना ही चाहिए, लक्ष्मी उसके घर में आती है, ये मेरे अनुभव के साथ कहता हूँ। मैं एक छोटा सा, मेरे पिताजी टीचर और हम 6 भाई एक बहन, मैं सबसे घर में बड़ा। यहाँ सरकारी नौकरी में कमिश्नर ऑफिस में काम करता था, लेकिन 1997 में मैं छोड़कर जब साधना मार्ग में आया मैंने जंगलों में साधना की है। मैं जानता हूँ कि लक्ष्मी हो या गणपति हो ये आज के दिन में प्रसन्न होते हैं, लेकिन तुम्हारी पुकार सुने, तुम्हारी पुकार में इतनी शक्ति हो कि उसने आज आई माता वहां कहां से आई आपके पास, तो उन्होंने तुम्हारी पुकार सुनी तब आई। आज तुम पुकारते हो तो क्या आई माता तुम्हारे घर संकट में आती है? क्यों संकट नहीं आता? तुम्हारी पुकार में वो शक्ति वो भक्ति नहीं है जो तुम्हारी पुकार से माँ आई है या किसी कोई देवता को हम पुकारे। और इस देवता की पुकार को सुनने के लिए या सुनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? वो है गुरु शक्ति। और जिसको गुरु हो वो उसकी पुकार हर भगवान सुनता है। हमारे हम देखते हैं राम हो या कृष्ण हो, इन सभी को भी गुरु थे और उन्होंने गुरु के माध्यम से ही अपने सारे कार्य को विजय किया। अर्जुन भी कृष्ण मंदिर जगत गुरु कहा गया है, तब तक जब तक अर्जुन अपने हथियार ढालकर कुरुक्षेत्र युद्ध में छोड़ देकर बैठा था तो कृष्ण समझा रहे थे तुम ये क्या कर रहे हो अर्जुन, यहाँ युद्ध में आकर युद्ध छोड़ रहे हो। तब कृष्ण को मजबूरन करना पड़ता कि अपना विश्वरूप बताया और कहा कि सब कर्ता करवाने वाला मैं हूँ अर्जुन, तू कल युद्ध कर तेरे को पाप नहीं लगेगा, मैं पाप देखता हूँ। और उस दिन कृष्ण ने जो उनको कहा कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं, तू सारे धर्मों को छोड़ दे मेरे शरण में आ, मैं तेरी रक्षा करता हूँ। और उस दिन अर्जुन ने कहा कि कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, कृष्ण ही जगद्गुरु है, मैं उनको नमन करता हूँ, आज से तुम जो कहोगे मैं करूंगा। और कृष्ण अर्जुन ने युद्ध जीता। आज जब तक आप अपने योग्य गुरु के चरणों में नहीं रहेंगे तब तक आप हम हमारे गुरुकुल को या हमारे हिंदू संस्कृति को या हम सक्षम होकर जिएंगे नहीं, ये मेरी धारणा है। मैं आज इतने दूर से, मैं भी तुम्हारे जैसे आप तुम मारवाड़ से आए हो तो मैं भी कहीं दूर से आया हूँ, 200 किलोमीटर से यहाँ के रहता हूँ, यहाँ अकेला आया था और आपको पता नहीं हमारे एरिया में क्या क्या मैंने कैसे कैसे कष्ट से, लेकिन साधना के बल पर उन सभी को जीतकर आज यहाँ खड़ा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, भारत पूरे भारत में घूमता हूँ। केवल एक आप अकेले भी खड़े रहो तो अगला प्रश्न करना चाहिए जिसको इसको हाथ नहीं लगा सकते, और इसके लिए तुम्हारे पीछे किसी कोई देवता शक्ति या गुरु शक्ति का होना बहुत आवश्यक है, और जब ये होता है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने भी उनको कोई नशे की आदत या किसी आदत नहीं, उनको केवल भगवान की कृपा है जो आज उन्होंने इतना राम मंदिर बना के बताया। आज हम इस बातों को अपने ध्यान में रखकर मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ, हमारे पास भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, कोई किसी को पीने की आदत है किसी को ये, लेकिन मैं जब गुरु मंत्र देता हूँ तो बहुत सारे लोग जो जिनको रोज पीने की आदत थी, जो रोज खाने की आदत थी, उसको गुरु मंत्र दिया और कहा तू केवल 4 माला जप कर ले,
वो चार माला जप किया, पर एक दस दिन के बाद आया और गुरुजी मैं जब खाना खाने बैठता हूँ और मैं मेरे घर में मटन या बादल आता है तो मैं गुरु मंत्र जब करके जब निवाला देता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी कूद रही है या बादल नाच रही है, मैंने खाना पीना छोड़ दिया। मंत्र में देवताओं में क्यों मंत्र करते हैं, क्यों जय श्री राम का नारा लगाते हैं? क्या राम नशेले थे? क्या लक्ष्मण नशेले थे? आज वो लोग कितनी विद्या से आगे बढ़े, कृष्ण क्या नशेले थे? आज हम उनसे क्या सीखें? हमारे में जब तक ये भावना नहीं आती कि मानवता को पहचाने, अपने बाजू वाले का दुख दर्द पहचाने, आज हमारी स्थिति ऐसी है, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता, आज आप योगा लो या आप रेकी लो और जिसको साधना है वो है, ये सारी साधनाएं तुम्हारे स्वयं के लिए है। योगा करो तो तुम्हारा शरीर अच्छा होगा, रेकी करो तो तुम्हारा शरीर अच्छा होगा। अरे तुम्हारा शरीर ये देश को कब अच्छा करेंगे, समाज को कब अच्छा करेंगे? समाज को अच्छा करने के लिए निस्वार्थ जीवन चाहिए और शक्तिवान आदमी चाहिए। समाज के लिए सोचे ऐसा व्यक्ति तुझे, मैं मेरे लिए जीऊंगा, तुम्हारे लिए तो डॉक्टर भी है बहुत सारे, कौन सी दवाई खाना है तुम्हारे शरीर अच्छा रहेगा ही रहेगा, समाज को कौन सी दवाई खिलाओगे जो समाज अच्छा हो? इसके लिए हम अपने देवता, अपनी संस्कृति और अपने गुरु के प्रति निष्ठावान हो तो हम ये कार्य कर सकते हैं। मैं भी आज पूरे भारत में, भारत के बाहर भी घूमता हूँ, मुझे मेरा यही कहना है, मेरा कोई भी शिष्य हो वो सामर्थ्यवान बने, चार लोगों के सामने खड़ा हो तो अपने न्याय की बात कर सके और न्याय को जिता सके। मैं ये कहते हुए मेरे प्रवचन को यहाँ जो समाज वाले मेरे को ये अवसर दिए हैं, मैं उनको सभी का अभिनंदन और धन्यवाद करता हुआ, आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ और आप सभी को मेरी ओर से आशीर्वाद देता हूँ।